गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक। दिस इज़ आशीष एंड यू आर वॉचिंग स्ट्रे ऑन रोड। एंड आज है हमारा डे 3 मलवन में, और कल का जो दिन था वो मेरे लिए बेस्ट डे था मेरी लाइफ का, बिकॉज उसके अंदर सब राइड्स की मैंने, और सबसे बड़ी बात कि पैराग्लाइडिंग और स्कूबा डाइविंग का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ का, जो कि कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था। और वहाँ पर रूल ऐसा रहता है कि और आपको 3 ट्रायल देते हैं, और 3 ट्रायल में आपका पता चल जाता है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और फिर डिसीजन आपका है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बट आपको जो पैसे हैं वो आपके रिटर्न नहीं होते। ऊपर आने तक और पानी के बीच में जो एक्सपीरियंस था वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे वो। मुझे स्विमिंग वगैरह वैसे भी कुछ नहीं आती, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने वो कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद जो पैराग्लाइडिंग का था वो तो आपने वीडियो देखा, उसके अंदर तो भाई क्या उसने मेरे को डुबकियाँ लगवाई पानी के बीच में। और बाकी जो वाटर स्पोर्ट्स थे वो तो नॉर्मल थे, वो तो मैंने पहले भी कर चुका था, जैसे बनाना राइड हो गया, तो वो सब तो ऑलरेडी कर चुका था मैं। बट कभी ना भूलने वाली ऐसी ट्रिप बन रही है मेरी ये लाइफ की। अब हम जा रहे हैं सिंदूर फोर्ट की तरफ, जो यहाँ से है 5.6 किलोमीटर। और वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले हमें एक बोट लेनी पड़ेगी, और फोर्ट बिल्कुल पानी के बीचों बीच है, तो मज़ा आने वाला है। एंड आज मेरा लास्ट डे है मलवन में, कल मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाएंगे। कि मैं एक सजेशन दूंगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले अगर आप गूगल मैप सेट कर रहे हो तो कार का सेट करो, बिकॉज बाइक का आपको ऐसे से दिखाएगा आपको प्लेसेस जहाँ पे रोड ही नहीं होगा। और मैंने टॉप बॉक्स ले रखा है साथ में, तो हम जो भी सामान रहेगा उसके अंदर डाल दूंगा मैं। और अभी तो मैं शूज़ डाल के घर से निकला हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि आज 2-3 पॉइंट्स देखते हैं। और वहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 90 रुपीज़। जो 90 रुपीज़ है उसमें आपको वो लेके जाते हैं फोर्ट तक, और आपको रिटर्न छोड़ते हैं, और उसके बाद जो है अंदर जाके भी 5 रुपीज़ टिकट है। तो टोटल 95 रुपीज़ में आप पूरा सिंदूर फोर्ट देख सकते हो। अंदर जाके जो ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, और एक आइलैंड है बीच में जो कि फोर्ट है, और अंदर जाके काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ से हिस्ट्री जान सकते हो आप। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है रॉक गार्डन, जो कि यहाँ से 1.2 किलोमीटर से, और वहाँ जाने के लिए बढ़ चुका हूँ मैं आगे। और एक चीज़ और, कि यहाँ पे जो स्पॉट्स हैं ज़्यादा दूर दूर नहीं है, बिल्कुल पास पास में स्पॉट्स हैं घूमने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और हम पहुँच चुके हैं रॉक गार्डन, और यहाँ पे पे एंड पार्क है, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं छाया तो अपने को मिलने से रही। तो एक काम करते हैं, वहीं पर बाइक लगा देते हैं।